अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमजा तारिक, लेक्चरर इन फिजिक्स। अब हम देखेंगे वर्क डन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिएगा ध्यान से कि अगर हम जीरो डिग्री पर चेक करें, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर एंगल जीरो डिग्री बन रहा है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने भी एग्जाम्पल में भी कंसिडर किया था, तब हमारे पास वर्क डन क्या आया था हमारे पास बेटा, अगर मैं बेटा इसमें जीरो पुट कर देता हूं, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ जीरो डिग्री, तो हमें पता है कॉस जीरो कितना होता है बेटा, वन होता है। तो यहां पर वर्क हमारे पास कितना निकलेगा, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम, क्योंकि बेटा कॉस का आंसर मैक्सिमम यानी वन निकला है। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, जीरो डिग्री पर, जीरो डिग्री यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जीरो बन रहा है, यानी दोनों पैरेलल हैं, तब जो हमारे पास वर्क होता है बेटा वो मैक्सिमम निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये, यानी जीरो डिग्री एंगल पर वर्क डन जो है वो मैक्सिमम निकलेगा। चलिए अब हम देखते हैं 90 डिग्री पर हमारे पास क्या होता है, यानी जब फोर्स फॉर एग्जांपल अपवर्ड लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रही है, बिल्कुल इसी तरह है कि हमने एक पानी की बकेट ऊपर की तरफ उठाई, यानी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और अब हम लेकर उसको आगे की तरफ चल रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पर है, तो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अब एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो चेक करते हैं इस केस में हमारा वर्क कितना होगा, यानी एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो वर्क हमारा कितना होगा, तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो बेटा हम यहां पर थीटा को कितना पुट करेंगे, 90 डिग्री, थीटा हमारे पास यहां पुट होगा 90 डिग्री, और हमें पता है कि कॉस 90 क्या रिजल्ट देता है हमें, जीरो, यानी मिनिमम रिजल्ट हमें देता है। तो इस जीरो आने की वजह से हमारा टोटल वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जीरो डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तब जो वर्क डन है हमारे पास वो क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। अब इसके बाद हम थर्ड केस की तरफ चलते हैं, इसके थर्ड केस की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगला केस हमारे पास है 180 डिग्री का, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर 180 डिग्री का एंगल है, मिसाल के तौर पर एक पत्थर मेरे पास है, पत्थर मैंने उठाया हुआ है और पत्थर को उठाने के लिए फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूं, लेकिन अब उस पत्थर को मैं नीचे की जानिब रखने लगा हूं, यानी नीचे झुक रहा हूं और इसको नीचे रख रहा हूं, तो फोर्स अब भी अपवर्ड डायरेक्शन में है बट डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड कवर हो रहा है, यानी फोर्स उस पत्थर को उठाने के लिए फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रही है बेटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो ये एंगल हमारे पास कितना है, 180 डिग्री का। तो देखते हैं इस पर हमारे पास वर्क कितना आता है, कितना वर्क ये हमारी बॉडी कर रही है यहां पर, तो हम चेक कर लेते हैं, एफ डी कॉस थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो बेटा यहां पर हम थीटा कितना पुट करेंगे, 180 डिग्री, और हमें पता है कि कॉस 180 का आंसर हमारे पास कितना आता है, माइनस वन, तो इसको मैं लिखूंगा यहां पर माइनस एफ डी। बेटा आपको अभी याद होगा हमने जीरो डिग्री पर जब चेक किया था तो आंसर प्लस एफ डी निकला था, जिसको हमने मैक्सिमम वर्क का नाम दिया था, अब माइनस एफ डी निकला है, तो आंसर बेटा ध्यान से देखिएगा, वर्क अब भी हमारा मैक्सिमम निकला है, वर्क अब भी मैक्सिमम निकला है बट माइनस नेगेटिव मैक्सिमम निकला है। तो ध्यान से देखिएगा, 180 डिग्री जब एंगल हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तब हमारा वर्क डन मैक्सिमम तो होता है बट नेगेटिव होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारे पास। तो यहां से इस पूरे सिनेरियो से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारा एंगल 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो हमारा वर्क डन क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। उसी तरह अगर हमारा एंगल यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है, 90 से ज्यादा का है, तब हमारा वर्क डन क्या निकलेगा, नेगेटिव वर्क निकलेगा। इसके बाद बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। बेटा आपको याद होगा हमने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर वर्क का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट वाज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। बेटा ये दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है, और हमने पढ़ा था कि दो क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट में हमेशा हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। इसका मतलब यहां पर जो वर्क है हमारे पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर लिखा है ध्यान से देखिएगा कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी।
नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारे पास है, नेक्स्ट पॉइंट अगर यहीं से हम इसका यूनिट डिराइव करने की कोशिश करें बेटा, फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास होता है मीटर। बेटा वर्क डन का यहां से यूनिट हमें क्या मिला, न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जाउल। इसको हम क्या बोलते हैं, जाउल बोलते हैं। तो बेटा वर्क का ऐसा यूनिट हमारे पास है जाउल, और एक जाउल किसके इक्वल होता है, यहां से देखिए बेटा, एक जाउल किसके बराबर होता है, न्यूटन इनटू मीटर के बराबर होता है। वन जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 का सेकंड आर्टिकल, जिसका नाम है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये वेरिएबल फोर्स क्या होता है। इसे पिछले आर्टिकल में हमने देखा था कि कॉन्स्टेंट फोर्स क्या होता है हमारे पास। हमने वहां देखा था कि कोई भी फोर्स, कोई भी वेक्टर हो हमारे पास, अगर वो अपनी मैग्नीट्यूड या अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट केस अगर हम कंसीडर करते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर अपनी डायरेक्शन या फिर अपनी मैग्नीट्यूड चेंज कर लेता है तो वो वेक्टर अब कांस्टेंट नहीं रहा, वो वेक्टर अब वेरिएबल कहलाएगा। इसी तरह अगर एक फोर्स अपनी डायरेक्शन या फिर अपनी मैग्नीट्यूड या फिर दोनों चीजें अगर चेंज कर लेती है तो वो फोर्स अब कांस्टेंट फोर्स नहीं रहती, वो फोर्स अब वेरिएबल फोर्स कहलाती है। इसी तरह जैसे यहां पर लिखा हुआ है, अ फोर्स विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन और बोथ, या फिर दोनों चीजें अगर वो फोर्स अपनी चेंज कर रही है तब हमारी वो फोर्स वेरिएबल फोर्स कहलाएगी। चलिए अब हम ये देखते हैं कि एक वेरिएबल फोर्स के जरिए वर्क डन जो परफॉर्म होता है वो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लेंगे हमारे पास एक हमने एक पाथ कंसिडर किया जो स्ट्रेट पाथ नहीं बल्कि एक कर्व्ड पाथ है। कंसिडर कीजिए हमने एक बॉडी है, हमारे पास एक बॉक्स है, हमने उसको पॉइंट ए से बी तक शिफ्ट करवाना है, यानी उसको उस पर फोर्स लगाकर उसको बी तक लेकर जाना है। अब देखने से ही हमें पता चलता है कि इस पार्ट पर, इतने हिस्से पर, इतने हिस्से के निस्बत फोर्स ज्यादा लगने वाली है, यानी हम जो अपने वर्क का स्टार्ट करने वाले हैं वो ज्यादा फोर्स से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उस फोर्स की वैल्यू कम होने वाली है, यानी इस पूरे रास्ते के दौरान जो फोर्स लगने वाली है उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी, यानी यहां हम वेरिएबल फोर्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। लिहाजा अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने ए से बी तक जो अपनी बॉडी को मूव करवाना है, हम क्या करेंगे, इस क्योंकि हमने एक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ा है, यानी कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन को फाइंड करना सीखा है, तो हम कुछ इस तरह करेंगे, हम इस रास्ते को, इस पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में या फिर छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे। इंटरवल्स में डिवाइड करने का हमारा क्या मकसद है, हम इसको एक इतने छोटे इंटरवल में डिवाइड करेंगे कि एक इंटरवल में जो वर्क हम कर रहे हैं उसमें फोर्स की वैल्यू तकरीबन कांस्टेंट रहे। क्यों, क्योंकि हमें कांस्टेंट फोर्स के जरिए वर्क निकालना आता है और वो वर्क निकालना हमारे लिए क्वाइट फिजिबल, हमारे लिए काफी आसान है। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको क्या किया, छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड किया और एक इंटरवल इतना छोटा है कि उस इंटरवल में फोर्स की वैल्यू तकरीबन क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। ध्यान से देखिएगा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस पहले एलिमेंट को यहां पर मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा डी वन, दूसरे एलिमेंट को इसी तरह क्या नाम दूंगा डेल्टा डी टू, और अप टू सोन ये नाम चलते जाएंगे, और आगे लास्ट वाले को बेटा मैं क्या नाम दूंगा डेल्टा डी एन। अब पहली डिस्प्लेसमेंट या पहले इंटरवल पर फोर्स हमारे पास क्या लगने वाली है, यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां हम इसको ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस फोर्स को मैं क्या नाम दे रहा हूं F1, और ये फोर्स एंगल कितना बना रही है थीटा वन। इसी तरह सेकंड इंटरवल में बेटा फोर्स मैं कितनी लगाने वाला हूं, इस फोर्स को मैं नाम दे रहा हूं F2 का। थर्ड इंटरवल में बेटा F3, और इसी तरह लास्ट वाले यानी nth इंटरवल को बेटा मैं कौन सी वाली फोर्स वहां उस पर अप्लाई करूंगा Fn, यानी मैं यहां पर लिख रहा हूं कि मैंने पूरे पाथ को कितने इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 एंड अप टू सोन कहां तक, डेल्टा DN तक मैंने इसको डिवाइड कर दिया। और इन पैचेस पर बेटा ये वेक्टर फॉर्म में लेंगे हम इसको, ये सब वेक्टर्स फॉर्म है हमारे पास। अब इन पैचेस पर या इन इंटरवल्स पर हमारे पास फोर्सेस क्या लगी हैं, वो फोर्सेस हमारे पास है F1, F2, F3 एंड अप टू सोन कहां तक, F
एन तक। और जो इंपॉर्टेंट बात हमने याद रखनी है यहां पर, ये फोर्सेस बेटा एंगल्स क्या बना रही है, एफ वन एंगल बना रही है थीटा वन, एफ टू थीटा टू और एफ थ्री, इसी तरह ये एंगल्स यहां पर बना रही है। तो चलिए हम देखते हैं एक बॉडी को इस पहले इंटरवल में यानी डेल्टा डी वन में मूव करवाने के लिए हमने कितना वर्क यहां पर किया है। तो देखते हैं हम, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा। पहले इंटरवल के वर्क डन को मैं यहां पर लिख रहा हूं डेल्टा डब्ल्यू वन, और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, एफ वन डॉट डेल्टा डी वन, क्योंकि हम पहले इंटरवल का वर्क देख रहे हैं तो उसमें फोर्स भी कौन सी लगेगी, एफ वन। तो अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा, एफ वन डेल्टा डी वन कॉस थीटा वन। सिमिलरली बेटा सेकेंड इंटरवल में देखेंगे, सेकेंड इंटरवल हमारे पास है डेल्टा डी टू, डेल्टा डी टू इसमें जो वर्क होगा वो होगा डेल्टा डब्ल्यू टू एफ टू डॉट डेल्टा डी टू, और ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू टू एफ टू डेल्टा डी टू और कॉस थीटा टू। सिमिलरली बेटा थर्ड इंटरवल के लिए क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको मैं, डेल्टा थ्री डेल्टा डब्ल्यू थ्री एफ थ्री डेल्टा डी थ्री कॉस थीटा थ्री, और ये इसी तरह आगे चलता जाएगा। आगे मजीद हम आगे इसको चलाते जाएंगे, सारे वर्क कैलकुलेट करते जाएंगे, तो बेटा लास्ट वाले इंटरवल यानी nth इंटरवल का वर्क हमारे पास क्या निकल आएगा, डेल्टा डब्ल्यू एन एफ एन डेल्टा डी एन कॉस थीटा एन। ये तो आगे बेटा वर्क डन छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए, लेकिन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस पूरे रास्ते में, इस पूरे पाथ में टोटल कितना वर्क डन हुआ। तो हम क्या करेंगे, इन छोटे छोटे इंटरवल्स के जितने भी हमारे पास वर्क डन फाइंड आउट हुए हैं, हम इन सबको एड अप कर देंगे। कैसे एड अप करेंगे, यहां पर बेटा हेडिंग दे रहा हूं मैं टोटल वर्क डन की, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालने के लिए टोटल वर्क को बेटा यहां पर मैं W से मैं जाहिर कर रहा हूं, W हमारे पास है W टोटल, मैं छोटा सा यहां मेंशन कर रहा हूं W टोटल। उसके लिए क्या करूंगा बेटा, सारे जितने भी पैचेस के स्मॉल वर्क्स हमने कैलकुलेट किए थे उन सबको मैं एड अप कर रहा हूं यहां पर, यानी डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 डेल्टा W3 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये वर्क कहां तक हमने कैलकुलेट किए थे, डेल्टा W एन तक कैलकुलेट किए थे। अब इन सब वर्क्स की वैल्यू हमारे पास है तो हम इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, W टोटल यानी टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालने के लिए बेटा डेल्टा W1 की हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1, हम यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1 प्लस, इसी तरह बेटा हमारे पास डेल्टा W2 है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2 और प्लस इसी तरह बेटा अप टू सॉन एफ एन डेल्टा डी एन कॉस थीटा एन। अब बेटा आपको पता है ये इक्वेशन यहां पर, इसमें सब क्वांटिटीज अगर आप गौर करें सब क्वांटिटीज एक जैसी हैं, इसमें डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट इंटरवल्स पर एक्ट कर रही हैं और डिफरेंट एंगल बना रही हैं, तो हम इसको बेटा यहां पर किस तरह मेंशन कर सकते हैं, W टोटल यानी टोटल वर्क डन, हम यहां पर इसको लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में, सिग्मा एफ डेल्टा डी कॉस थीटा, डेल्टा डी कॉस थीटा, और यहां पर मैं इन सब के साथ मेंशन कर रहा हूं आई आई एफ आई डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई। अब यहां पर आई क्या चीज है बेटा, आई ये नंबर्स हैं, यहां पर ये नंबर्स हैं जो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, वन से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं बेटा, एन तक जा रहे हैं, यानी यहां पर आई क्या है, आई वन से स्टार्ट हो रहे हैं और एन तक, ये नंबर्स हैं जो इसमें हम अगर इसमें हम पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई मैं यहां पर वन पुट करता हूं तो ये हो जाएगा एफ वन डेल्टा डी वन कॉस थीटा वन। इसी तरह समेशन किसको शो कर रही है, प्लस को, तो इसके आगे प्लस लगाकर फिर मैं आई क्या पुट करूंगा बेटा, टू पुट करूंगा, इसी तरह ये इक्वेशन ये ओपन इस तरह हो जाएगी। तो बेटा ये रहा हमारा वो टोटल वर्क डन जो एक वेरिएबल फोर्स ने परफॉर्म किया था, कहां से कहां तक, पॉइंट वन से पॉइंट बी तक जाने के लिए। तो अब हम देखते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
अब ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के एक्स कंपोनेंट के दरमियान बनाया गया है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन ना होना यहां पर क्या साबित करता है कि यहां पर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं रही, बल्कि ये फोर्स वेरिएबल है। यानी शुरू में फोर्स की वैल्यू ज्यादा है और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे बॉडी को हम बी की तरफ लेकर जा रहे हैं, फोर्स की वैल्यू यहां पर कम हो रही है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां पर टोटल वर्क डन कैलकुलेट किया था। अब टोटल वर्क डन जो है वो ग्राफ के मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और हमें पता है इससे पिछले आर्टिकल में हमने देखा था कि ग्राफ के नीचे का जो एरिया है अगर वो फाइंड कर लिया जाए किसी तरीके से, तो हम टोटल वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ग्राफ के नीचे का एरिया किस तरह फाइंड किया जाए, क्योंकि ये शेप काफी डिफरेंट शेप है और इसका एरिया हमने निकालना अभी तक नहीं सीखा। तो हम क्या करेंगे, इस शेप को हम डिवाइड कर देंगे, इस शेप को हम वर्टिकल सॉरी इस शेप को हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेंगे। इस शेप को हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेंगे। ले जी, ये हमारी शेप जो है ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड होगी। अब हम क्या करेंगे, हर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का अलग से एरिया फाइंड करेंगे, बिल्कुल पुराने मेथड से, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसी तरह सेकंड वाली जो हमारे पास स्ट्रिप है उसका भी एरिया फाइंड करेंगे, और एंड पर क्या करेंगे, सबको एडअप करके हम यहां से टोटल एरिया ग्राफ के मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा मसला होने वाला है, वो मसला क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा कि जब हम ये स्ट्रिप्स का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तब ये जो ग्राफ के ऊपर वाला हिस्सा है, कैलकुलेशन में ये हिस्सा भी शामिल हो रहा है, कैलकुलेशन में ये हिस्सा भी शामिल हो रहा है और वर्क की वैल्यू में इजाफा कर रहा है, जो कि एक्चुअली वर्क नहीं किया गया था। तो बेटा ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ग्राफ का, जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में शामिल हो रहा है, ये आपकी वर्क डन की टोटल वैल्यू में एरर क्रिएट करेगा, और हमें इस एरर से बचना है, हमें इस एरर को रिड्यूस करना है। तो उस एरर को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेहतरीन मेथड क्या है, तो सबसे अच्छा मेथड उसमें यह है कि हमने जो स्ट्रिप्स बनाई थी, जिसमें एक स्ट्रिप का जो हमारे पास लेंथ थी वो डेल्टा डी वन थी, उसी तरह अगले वाले की डेल्टा डी टू एंड अप टू सो ऑन डेल्टा डी एन है। बेहतरीन मेथड इसमें यह है कि जो स्ट्रिप्स की विड्थ है या स्ट्रिप्स की जो लेंथ है उसको मजीद डिक्रीज कर दिया जाए। यानी क्या मतलब कि यहां पर जो हमने ये इतने बड़ी जो हमने स्ट्रिप ली है, यहां से यहां तक जिसकी लेंथ है, हम उसको क्या करेंगे, उसको मजीद शॉर्ट करेंगे। अब यहां से यहां तक हमारे पास डेल्टा डी वन है, इसी तरह अगली वाली स्ट्रिप हम कहां पर लेंगे बेटा, यहां पर लेंगे। इसी तरह हम इसको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड अगर हम करते हैं, तब हम एक्यूरेट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और एक्यूरेट रिजल्ट हासिल करने के लिए हमें एक स्ट्रिप की जो विड्थ है वो कितनी रखनी पड़ेगी, इतनी स्मॉल कि वो अप्रोच किसको करे, जीरो को अप्रोच करे, जीरो ना हो बट वो जीरो को अप्रोच कर रही हो। यानी हमें कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बनानी पड़ेंगी, हम कह सकते हैं तकरीबन इंफिनिटी को, यानी वो नंबर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। फिर से देखिएगा ध्यान से, जब हम इसको नॉर्मल साइज में इसको स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं, तब हमारे वर्क डन में यहां पर हमें एरर मिलेगा। उस एरर से बचने का तरीकाकार क्या है कि हम अपनी एक स्ट्रिप की जो विड्थ है, वो जो डेल्टा डी वन या डेल्टा डी टू जिसको हमने कंसिडर किया था, उसको हम इतना स्मॉल रखें कि वो जीरो को अप्रोच करे। तब जब हमें फिर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स फिर कितनी बनानी पड़ेंगी बेटा, ध्यान से देखिएगा, फिर हमें नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी बनानी पड़ेंगी, इतनी ज्यादा बनानी पड़ेंगी कि तकरीबन वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रही हो। लेकिन उससे फायदा हमें क्या होगा, हमारा जो वर्क डन ग्राफ के मेथड से निकलेगा, दैट विल बी मोर एक्यूरेट एज द प्रीवियस वन जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। तब हमारा जो वर्क डन निकलेगा उसको मैं मैथमेटिकली यहां पर राइट कर सकता हूं, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एफ एन डेल्टा डी एन कॉस थीटा एन, कॉस थीटा एन, सॉरी यहां पर एफ आई डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई, और यहां पर आई क्या है,
वन से लेकर एन तक यहां पर नंबर्स हमारे पास हैं, लेकिन यहां पर हमने एक लिमिट लगाई है, यहां पर हमने इसको सिनेरियो को लिमिटाइज किया है कि हमने अपनी डिस्प्लेसमेंट इतनी शॉर्ट की है कि वो जीरो को अप्रोच कर रही है, यानी यहां पर मैं एक अदद लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, इस चीज को लिमिटाइज कर रहा हूं। वो लिमिट हमारे पास क्या है कि हमारा जो डेल्टा डी है यानी एक स्ट्रिप की जो विड्थ है हमारे पास वो कितनी है, वो जीरो को अप्रोच कर रही है। ये वर्क डन जो हमारे पास है दैट इज मोस्ट एक्यूरेट वर्क डन जो हमने इस ग्राफ के मेथड से कैलकुलेट करना है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।